खबर खैरथल तिजारा जिले से है, जहां अलवर के सरिस्का वन क्षेत्र से गत 3 साल पहले तिजारा के रूंद गांव में विस्थापित किए गए करीब 200 परिवारों ने उपखंड अधिकारी को ज्ञापन देकर मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध कराने की मांग उठाई है। इन 200 परिवारों को विस्थापित होने के बाद ना बिजली की सुविधा मिल पाई है, ना पानी की और ना ही बच्चों को शिक्षा मुहैया कराई जा रही है। यहां तक कि गांव में पहुंचने के लिए आम रास्ता भी नहीं है। विस्थापित परिवार सोमवार को तिजारा एसडीएम से मिलने के लिए पहुंचे और उन्हें ज्ञापन देकर मूलभूत सुविधाएं मुहैया कराने की मांग की है। इनकी मांग है कि सड़कों को पक्का किया जाए, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र की व्यवस्था की जाए, गांव में बच्चों को शिक्षा मुहैया कराने के लिए राजकीय विद्यालय खोला जाए, भूमि की नाप में गड़बड़ नहीं की जाए तथा कृषि भूमि के चारों तरफ तारबंदी की जाए, क्योंकि गांव में बाहरी लोग मोटर पाइप फवारों की चोरी करके ले जाते हैं और खड़ी फसल के अंदर मवेशियों को छोड़ देते हैं, जिससे फसल खराब हो जाती है। अलवर से प्रदीप गोयल की रिपोर्ट। अरे हमारे सबसे पहले तो हमको ये है कि हम तुम्हारे हाथ के हाथ स्कूल करवा देंगे, हम वहाँ गांव से बिल्कुल फ्री कर दो, खाली कर दो। हमने खाली कर दी पिछली साल ही, हमारे बच्चे पिछली साल से बिल्कुल परेशान थे, कोई पढ़ाई लिखाई नहीं चल रही। फिर उन्होंने ये कहे कि तुम्हें एंड टू एंड का एक झोपड़ा गाल दो, हमें ऊपर से आदेश कच्चा छप्पर गाल दो, ऊपर से आदेश दे लेके और हमें तुम्हारे बिल्डिंग करवा देंगे। सब पिछली साल भी आधी बार बच्चा गया, आधी बार मास्टर नहीं आया। अब की साल में यानी कि 10 दिन स्कूल खोलिए, अब लगा लो कई दिन हो गए स्कूल में खुला, बिल्कुल बंद है। और वो छप्पर गिर गया, फिर आपके फिर सही कर दिया। अब अधिकारी ने बोलते हैं तो कोई किसका नाम लेते हैं, कोई किसका नाम लेते हैं, हम कुफट आदमी हैं तो इसलिए हमें ये बुहार लगा रहे हैं कि हमारे जल्दी से जल्दी बच्चा का भविष्य सुधरे, बट बच्चा पढ़ाई लिखाई में हमारे माले ट्रेंड में तो हम खुद कुफट हैं, तो बच्चा भी हमारा ऐसे आएंगे, फिर आने या आने से क्या फायदा मिलेगा। रास्ता तो बिल्कुल टूटा है, एक एक तार खड्डा हो रहा है जगह जगह, दो साल हो गए लाइट नहीं। कुछ लोग पैसा वाला बच्चों ने मान ले प्राइवेट में अच्छे में ना होगा, प्राइवेट में जो बच्चा एडमिशन करवाए तो उनका भी रहेगा।